गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट सी द इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ द लेक्चर. फर्स्ट फ्लाइट एंड वी आर गोइंग टू रीड द फॉर्म नंबर 10. दैट्स The Tale of Custard the Dragon by Ogden Nash. The Tale of Custard the Dragon. See children, this poem is written in the style of a ballad, a song. Ballad is a song or a poem that tells a story. You must be familiar with ballads that narrate tales of courage, tales of courage or heroism. ये कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो कि साहस के बारे में, साहस के किस्से सुनाती हैं. कुछ heroically activity या कुछ ऐसा हुआ है अच्छा, तो उसके बारे में बताती हैं. This poem is a humorous ballad close to a parody. Parody means in a funny way. That means the poem we are going to read is presented in a funny way. And that's a bit very different. So see children, this is a ballet song and that's presented in a funny way. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Relio Julio little pet dragon. Belinda is the name of the person basically जो कि एक छोटे से लिटिल व्हाइट हाउस में रहता है. जो छोटा हाउस है बिल्कुल उस व्हाइट घर में रहता है, व्हाइट है उसका हाउस. विद अ लिटिल ब्लैक किटन, ब्लैक किटन एक ब्लैक कलर की छोटी कैट है उसके पास. एंड अ लिटिल ग्रे माउस और एक छोटा माउस है जो कि कलर में ग्रे है. एंड अ लिटिल येलो डॉग और एक छोटा जो है येलो डॉग है. And a little red wagon. और उसके पास जो है एक रेड जो है वैगनर है, वैगन है. And a Relio Julio little pet dragon. और Relio means real and Julio means true. एक सच में real और true जो है एक pet है उसके पास जिसका नाम जो है dragon है. Dragon you must have heard the Chinese movies. It's a dragon. It's an imaginary creature, children, which has been taken in the poem. So, अभी हमें क्या पता चला कि जो बेलिंडा एक अकेले घर में रहता है, रहती है, और ब्लैक किचन है उसके पास, ग्रे माउस है, येलो डॉग है, लिटिल रेड वैगन है, वैगन जो कार है वैगनर, और रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसके पास एक छोटा ड्रैगन भी है जो रियल में ट्रू है. नाउ सी द नेक्स्ट वन. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. See, now the name थे उनके, जो लिटिल ब्लैक किटन थी, जो कैट थी छोटी उसका नाम था इंक, जो माउस था लिटिल ग्रे माउस उसका नाम था ब्लिंक, एंड द लिटिल येलो डॉग जो उसके पास येलो डॉग था कुत्ता था वाज शार्प एंड मस्ट एज मस्टर्ड और वो मस्टर्ड की तरह शार्प था जो सरसों होती है. बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड, लेकिन जो ये ड्रैगन था दिस इमेजिनरी क्रिएचर इट वॉज अ कावर्ड. Coward means like कायर. And she called him custard. और वो जो है उसे custard बुलाती थी.
इट्स नेम वॉज कस्टर्ड. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. अब कस्टर्ड के बारे में बताया गया है. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज. कस्टर्ड जो था उसके दांत बड़े शार्प थे, बड़े तेज थे. एंड स्पाइक, स्पाइक होती है चोंच. एंड स्पाइक ऑन द टॉप ऑफ हिम, और एक चोंच थी उसकी टॉप पर. एंड स्केल्स अंडर नीथ, और नीचे जो है लाइनें बनी हुई थी, फाइन लाइन सिल्कॉम बोलते हैं स्केल्स. नीचे की तरफ उसकी बॉडी में जो लाइनें बनी हुई थी और ऊपर की तरफ जो है चोंच निकली हुई थी. उसका मुंह जो है ना फायर प्लेस की तरह था. मुंह से जो है, माउथ से वो क्या करता था, आग छोड़ता था, फायर रिलीज करता था. चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी नोज को कंपेयर किया गया है चिमनी के साथ, और उसकी जो नोज थी वो चिमनी की तरह थी. इनडायरेक्ट कंपेरिजन इज डन, दैट्स कॉल्ड मेटाफर. और माउथ लाइक अ फायर प्लेस इज सिमिली. एंड रिलियो ट्रुलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और डैगर होते हैं तीखा चाकू की तरह बिल्कुल एकदम से डैगर. और जो उसके टोज थे, पांव के जो अंगूठे थे, वो कैसे थे, डैगर्स की तरह थे, तीखे तेज चाकू की तरह थे. बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्ड्स. और बेलिंडा के बारे में आप क्या बताता है, बेलिंडा जो थी इतनी साहसी थी कि उसे कभी किसी चीज से कोई डर ही नहीं लगता था. बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्ड्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स. और इंक और ब्लिंक जो थे ना, इंक कैट और ब्लिंक जो ग्रे माउस था, वो इतने बहादुर थे, इतने ब्रेव थे कि अगर कोई लायन भी आ जाए तो उसको भी भगा दें सीढ़ियों से नीचे, इतने ब्रेव थे वो. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज. और ये मस्टर्ड कौन था, मस्टर्ड था येलो डॉग. वो इतना ब्रेव था, इतना बहादुर था कि जिससे कि टाइगर गुस्से में होता है. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. लेकिन हमेशा हर बार ये कस्टर्ड जो है, कस्टर्ड कौन है, ड्रैगन, जो ये ड्रैगन है हमेशा रोता चिल्लाता रहता है कि मुझे एक अच्छा पिंजरा दे दो जिसमें मैं रह सकूं, सेफ रह सकूं पिंजरे में. इस तरह से बेचारा रोता रोता रहता है. सो यू गॉट इट नाउ द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ कस्टर्ड एज वेल एज दीज ऑल, बेलिंडा, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड. नाउ सी, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सिफुल. इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल. दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रिलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन. बेलिंडा टिकल्ड हिम, गुदगुदी करती है उसको, और वो तब तक गुदगुदी करती है अनमर्सिफुल, कोई दया नहीं करती उसके ऊपर. अनमर्सिफुल, हृदय हृदय से जो उसकी जो है गुदगुदी करती है, उसको टिकल करती है. और इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड क्या करते हैं, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल. कायर बोलते हैं उसको, पर्सिवल बोलते हैं उसको, डरपोक बोलते हैं उसको. दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और सारे के सारे वैगन में बैठ करके जोर जोर से हंसते रहते हैं उसके ऊपर. एट द रिलियो ट्रुलियो कावर्डली ड्रैगन, जो ये ड्राव कावर्डली जो कायर ड्रैगन है उसके ऊपर जो है गाड़ी में बैठ करके वो हंसते रहते हैं, उसका मौक उड़ाते रहते हैं. बेलिंडा गिगल्ड टिल शी टुक शुक द हाउस एंड ब्लिंक सैड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस. इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज when custard cried for a nice cage, safe cage. Belinda जो है इतना हंसती है कि वो पूरे घर को हिला देती है. Giggle means होता है such type of laughing where you don't have control. And blink sad weak, this is also a sort of laughing of mouse. Mouse की जो laughing होती है उसको weak बोलते हैं ये. So कहता है वो भी हंसता है जो mouse है. इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और जो इंक है और जो मस्टर्ड है, इंक कौन है,
जस्ट नीड टू रिमेम्बर इट देयर नेम्स. इंक है लिटिल किटन, जो कैट है, छोटा बच्चा कैट का है, और जो मस्टर्ड डॉग है वो उसकी एज के बारे में पूछती है ड्रैगन से. और कस्टर्ड क्या करता है बेचारा, हमेशा से रोता चिल्लाता रहता है कि मुझे जो है एक अच्छा सेफ केज दे दो, पिंजरा दे दो जिसमें रह सकूं मैं. सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, और अचानक से एकदम से उनको जो बड़ा डरावना साउंड सुनाई देता है. एंड मस्ट, और इस पर जो है जो मस्टर्ड है वो क्या करता है, घुर्राता है, ग्रावल करता है. जो डॉग है ना, ये उसके घुर्राने के बारे में बताया गया है, ग्रावल करता है. एंड ऑल लुक्ड अराउंड, और सभी के सभी इधर उधर देखते हैं. घर में कुछ अजीब सा साउंड होता है. मियाउस क्राइड इंक, और जो ये इंक थी वो जोर से प्यार से मियाउस करती है दैट किटन. एंड ओ क्राइड बिलिंडा, और बिलिंडा जोर से चिल्लाती है. फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, और हम वो क्या देखते हैं कि एक पायरेट, पायरेट मींस दैट द थीव बेसिकली, चोर जो कि चढ़ रहा है विंडो से ऊपर की तरफ, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट. हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज हूज. इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड. अब उसके हाथ में, लेफ्ट में भी पिस्टल थी, राइट में भी पिस्टल थी, और उसे अपने दांतों के बीच में कटलेस ब्राइट एक तलवार, एक चाकू टाइप का है मिडल, वो चाकू टाइप का अपने दांतों के बीच में दबा के रखा हुआ है. हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी बिल्कुल काली थी. वन लेग वाज वुड, और एक उसका टांग जो है लकड़ी की बनी हुई थी. और ये बिल्कुल क्लियर साफ सुथरा दिखाई दे रहा था कि जो उसका मीनिंग था उसके घर के अंदर सेंध मार करने का, वो अच्छा मीनिंग नहीं था. दैट वाज नॉट गुड. बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल. इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड. नाउ यू सी, बेलिंडा जो है बड़े पीली पड़ जाती है, डर जाती है, एकदम से सहम जाती है. शिकायत चिल्लाती है कि हमारी हेल्प करो, हेल्प करो. और जो मस्टर्ड है, बट मस्टर्ड फ्लैट, लेकिन मस्टर्ड जो था वो वहां से गायब भाग जाता है. फ्लैट मींस टू एस्केप, भाग जाना. विद अ टेरिफाइड येल, येल मींस चिल्लाते हुए, टेरिफाइड डर से, भय से वो वहां से भाग जाता है. इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक है वो क्या करता है, घर के नीचे के हिस्से में चले जाते हैं बॉटम में. और लिटिल माउस ब्लिंक, और जो मुस्सा था उनके घर में, माउस था ब्लिंक, वो स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो उनके माउस के अपने होल होते हैं ना जिनमें चूहे रहते हैं, माउस होल उनको बोलते हैं, उनमें जा करके चुपचाप बैठ जाता है स्ट्रेटेजिकली. सी देयर ब्रेवरी, देयर वे ऑफ डीलिंग द पायरेट, के पायरेट घर में आया है, एक चोर आया है, उसको कैसे डील कर रहे हैं वो. बट अप जंप्ड कस्टर्ड स्नोरिंग लाइक एन इंजन, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जेंगलिंग स्क्वर्म, ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म. नाउ यू सी, लेकिन जब बट अप जंप कस्टर्ड, लेकिन अब कस्टर्ड जो है चंप लगाता है सुनौरी करते हुए, गुर्राते हुए जोर से, इंजन की तरह जैसे इंजन शुरू होता है. क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन, और उसकी जो पूंछ थी वो आयरन की तरह जो है क्लैश करती हुई चीजों को घेरती आगे बढ़ती है. इन अ डंजन, लाइक ना डंजन. अब वो बताता है, डंजन मींस अंडरग्राउंड जो सेल होते हैं वहां से वो निकल करके आता है, और अंडरग्राउंड सेल से निकल करके आता है, और इंजन की तरह आवाज करते हुए क्लैश करता है, हिट करता है पायरेट को. विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म,
मीन्स ट्विस्ट करते हुए, उसको पकड़ते हुए, इधर उधर घुमाते हुए, ट्विस्ट करते हुए क्या करता है, ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ बॉम्ब। जिस तरह से कि रॉबिन जो है एक बॉम्ब के ऊपर टूट करके गिर पड़ता है, उसी तरह से कस्टर्ड जो उस पायरेट के ऊपर टूट करके पड़ता है, उसको ट्विस्ट कर देता है। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। गेप्ड मीन्स स्टेयर करना, घूरना। ही गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फैगन फ्लैगन। ग्रॉग मीन्स कुछ पीने के लिए, कुछ मीन्स यू कैन यूज सॉर्ट ऑफ विस्की वाइन। पॉकेट से निकालता है वो फ्लैगन, उसका कंटेनर ऑफ सिल्वर, पॉकेट से एक ऐसा बॉक्स निकालता है जिससे वो ग्रॉग, ग्रॉग मीन्स सॉर्ट ऑफ लिकर, जिसको वो पीता है। He fired two bullets, और दो बुलेट वो फायर करता है, but they didn't hit. लेकिन अब वो जो है हिट नहीं कर पाते हैं। And custard gobbled him every bit. Gobble means निगल जाना, और custard जो है उसको उठाता है, खाता है, और उसको पूरे के पूरे को निगल जाता है, खा जाता है उसको। जो पायरेट था, he was a man, उसको पकड़ गए और तोड़ मरोड़ के खा जाता है। Every bit means मामूली सा भी कुछ नहीं छोड़ता, सब कुछ खा जाता है, उसकी बॉडी का सारा पार्ट खा जाता है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मोर्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। बेलिंडा जो थी गले लगाती है उसको, मस्टर्ड जो है चाटा है उसको। No one mourned for his pirate victim, और कोई भी जो है उस पायरेट के जो उसके साथ दुर्दशा हुई उसके लिए किसी ने कोई रोना धोना विलाप नहीं किया। मौर मीन्स होता है रोना धोना विलाप करना, कोई नहीं रोया धोया उसके मरने पर। Blink and blink in glee did Garrett, Garrett means happily, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं किसके, ड्रैगन के। ड्रैगन के इंक और ब्लिंक जो माउस और कैट है वो नाचते हैं और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। That is Garrett basically around the dragon that ate the pirate, उस dragon के जिसने जो उस pirate को खाया था। But presently up spoke little log mustard, little dog mustard, जो mustard जो है ना present करता है अपने आप को सामने आकर के और क्या कहता है, I'd have been twice as brave as I had been flustered. मैं डबल ब्रेव होता अगर मैं कंफ्यूज न हो गया होता। फ्लस्टर्ड मींस कंफ्यूज, अंडरलाइन द वर्ड फ्लस्टर्ड, कि भाई मैं तो डबल ब्रेव होता अगर मैं जो है कंफ्यूज न हो गया होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक भी बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, वी वुड हैव बीन थ्री टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक, और हम तीन गुना साहसी और ब्रेव होते जैसा कि हम सोचते हैं। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट अग्री, और कस्टर्ड कहता है, कस्टर्ड मैं आप सब से सहमत करता हूं, आप सब तो बहुत ही बहादुर हैं, यू ऑल आर ब्रेव, दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी, और जितने भी यहां पर लोग हैं सारे के सारे जो हैं मुझसे ज्यादा ब्रेव हैं, मैं इतना ब्रेव नहीं हूं। स्टिल स्टिल वो कहता है, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस with her little black kitten and her little gray mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. The first stanza is repeated here, ki Belinda jo na ab bhi usi ghar mein reh rahi hai uske little black kitten ke sath, little gray mouse ke sath, yellow dog aur red wagon, aur real mein jo true hai bilkul really truly jo dragon hai उसके साथ। Belinda is as brave as a barrel full of beers and ink and blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as tiger in a rage, but custard keeps crying for a nice cage. और आज भी और अब भी क्या चल रहा है, Belinda उतनी ही brave है जितनी पहले थी निडर। और ink और blink जो ये cat और जो ये mouse है, ये तो इतने साहसी हैं कि जिनकी हम बात नहीं कर सकते, लॉयंस को सीढ़ियों से नीचे उतार के भगा देते हैं। और गुस्सा जब इसको मस्टर्ड को आता है, डॉग को, तो वो ऐसा लगता है कि टाइगर जो है गुस्से में घूम रहा है। लेकिन बट
कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस केज, लेकिन जो ये कस्टर्ड है ये बेचारा एक सेफ सुथरे से पिंजरे के लिए, केज के लिए जो है चिल्लाता रहता है, बोलता रहता है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडेज पोएम स्टूडेंट्स। Let's see what sort of poetic devices have been used in the poem. So rhyming scheme इसकी क्या है? A A B B C C D D. देखो, house mouse, A A wagon dragon, B B first एनजे के ऊपर आएंगे सभी बच्चे। House mouse wagon dragon, house mouse A A wagon dragon B B इंक ब्लिंक सी सी मस्टर्ड कस्टर्ड डी डी। सो हमारी जो राइमिंग स्कीम बन गई ए ए बी बी सी सी डी डी, नोट कर लेना सभी सभी बच्चे। और इसमें जो है रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। रेपिटेशन क्या हुआ है? लिटिल वर्ड को देखो, फर्स्ट स्टैंजा था, सेकंड स्टैंजा में कितनी बार यूज किया गया है, ऐसे तुम्हें बहुत मिलेंगे आगे। लिटिल व्हाइट हाउस, लिटिल ब्लैक किटन, लिटिल ग्रे माउस, लिटिल येलो डॉग, लिटिल रेड वैगन और रिलियो ट्रुलियो लिटिल पेट ड्रैगन। देयर इज अ रेपिटेशन, दिस लिटिल हैज बीन रिपीटेड सो मेनी टाइम्स। यू वुड फाइंड सम अदर वर्ड्स आल्सो देयर, दो यू जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट एंड वर्क ऑन इट। सी द नेक्स्ट वन इज द लिटरेरी, दो चीज आपको पता चल गई है। सिमिली यूज हुआ है, सिमिली एज और लाइक वर्ड के साथ यूज होता है। जब भी तुम्हें सेंटेंस में एज या फिर लाइक मिले तो समझ जाओ कि भाई इसमें सिमिली यूज हुआ है। अब जैसे कि थर्ड स्टेंजा की थर्ड लाइन में आओ, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, जहां पर तुम्हें माउथ मिले लाइक मिले, जैसे लाइक हो गया माउथ लाइक अ फायर प्लेस, सिमिली हो गया। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज, कंपेरिजन देखो, बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब ये एज जो है सिमिली को शो करता है, लेकिन इसमें सिमिली के साथ साथ इसमें मेटाफर भी यूज हुआ है। चिमनी फॉर अ नोज, अब चिमनी को जो साथ जो कंपैरिजन किया गया नोज का, दैट इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन, सो दिस इज कॉल्ड मेटाफर। जब हम चिमनी को नोज से कंपेयर कर रहे हैं, सो इनडायरेक्ट कंपेरिजन हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे मेटाफर। उसके बाद आ जाओ बच्चों एनाफोरा, लाइन थ्री एंड फोर। एनाफोरा के अंदर क्या हुआ है कि किसी भी लाइन का फर्स्ट वर्ड सेकंड फर्स्ट वर्ड जो है रिपीट होता है नेक्स्ट लाइन के साथ। एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ रिलियो ट्रुलियो, सेकंड में देखो एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड द लिटिल येलो डॉग। ये एंड किससे जो शुरू हुई है लाइने, इसको हम लोग बोलते हैं एनाफोरा, राइट एवरीवन। और इसके अंदर एक पोएटिक लाइसेंस यूज हुआ है, स्पेलिंग चेंज कर देता है पोएट, लाइक टू मेक गुड साउंड राइम। रिलियो ट्रुलियो, रिलियो ट्रुलियो जो है एक्चुअल वर्ड्स तो नहीं है, लेकिन उनकी स्पेलिंग्स में इस तरह से फेर बदल कर दिया है, व्हेन वी सी दैट इट इज वर्किंग, राइट एवरीवन। सो सी चिल्ड्रन, दैट्स इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। और एक पोएटिक डिवाइस और है ऑक्सीमोरोन, ऑक्सी ओ एक्स वाई एम ओ आर ओ एन। ऑक्सीमोरोन होता है टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर, दो अपोजिट वर्ड्स को जो है एक साथ यूज किया जाता है, जिसको जो है हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। फर्स्ट स्टेंजा के अंदर लास्ट लाइन के लास्ट टू वर्ड्स रिलियो ट्रुलियो लिटिल पेट ड्रैगन, दिस इज अ इमेजिनरी क्रिएचर हालांकि, लेकिन एक ड्रैगन जो है कभी भी पेट नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर पेट वर्ड के साथ ड्रैगन यूज हुआ है, सो दिस इज द ऑक्सीमोरोन लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड, यानी कि अपोजिट सेंस वाले वर्ड्स को यूज किया गया, मीनिंग वाले वर्ड्स को यूज किया गया। सो दैट्स इनफ फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। Any one of you wants to ask anything, raise your hand. I'll just answer and sort out your problems if you have. Thank you.